जिस जिसने फिल्म देख लिया वो मुझे बताओ कि आप लोगों को फिल्म कैसी लगी। सच्ची बोली, जवान देख के मैं जवान हो गई हूँ अभी। भाई एक्शन सीक्वेंस पठान से भी ज्यादा बेटर है। जवान फुल जहर है, फुल अंगार है। जब जब शाहरुख स्क्रीन पे आता है, स्क्रीन पे आग लग जाती है। अभी मैं टिकट बुक करने गया था, सिर्फ 5 या 6 टिकट ही अवेलेबल थी। मैंने कुछ सोचा नहीं, जाके बुक कर लिया। रोहित शेट्टी की एक्शन मूवीज इसके सामने कुछ नहीं है, वो ट्रेलर थी और मूवी अटली ने दिखाई है। शाहरुख खान का एक्शन मतलब पठान में उन्होंने जो किया था, जवान में आई थिंक उसे एक लेवल हायर है। बेटे से बात करने से पहले बाप से बात कर। और बाप के रोल में जब शाहरुख आता है तो बाप लेवल की एक्टिंग की है। एक शाहरुख खान पठान में थे तो हम पागल हो गए थे, यहाँ 2 शाहरुख खान मिला हमको, हमारे लिए ट्रीट दिया शाहरुख खान ने। हाँ पठान जो मेरे को बेहतर लगी, उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और कमाएगी पठान से ज्यादा फर्स्ट डे में। भाई चिल्ला चिल्ला के पूरा गला खराब हो गया है। इस मूवी से कोई नहीं बच सकता सर। गाने तो हमें पता था, हम पहले से एंजॉय कर रहे थे, बट एक्शन भी बहुत अमेजिंग है। संजू बाबा का एक लास्ट में सस्पेंस आने वाला है जो सबको जाके देखना चाहिए सिनेमा घरों में। जैसे सेतुपति से अच्छा विलन कोई दुनिया में कर सकता है तो शाहरुख खान है। सुपर डुपर हिट पिक्चर बहुत अच्छी है शाहरुख खान साहब की। शाहरुख खान साहब ने बहुत ही अच्छा जवान का रिकॉर्ड, जवान सब का रिकॉर्ड तोड़ेगी, पठान का भी अपने फिल्म का ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। और हम लोग ऐसे एस आर के फैन है, इसलिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आए हैं। एक्शन बहुत ही कमाल का एक्शन है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्शन मास्टर है इसके अंदर ना। और अभी तक का बॉलीवुड का सबसे बड़ा ही एक्शन है। सुपर मूवी है, एक्सलेंट मूवी है। एंड जो पुलिस का जो लेडी ने रोल किया है उसके एक्शन एसओ में ऑसम। एंड जो साउथ का जो टोन लिया सुपर एक्सलेंट, बहुत हम तो डांस भी किया, तो बहुत एंजॉय किया। हॉलीवुड से भी बढ़ के बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। पठान से भी बहुत ज्यादा बेटर है। एटली का पूरा साउथ मसाला फिल्म उनके बाहर आया हुआ है, गला का बैंड बच चुका है चिल्ला चिल्ला के। एसआर के फैन भाई, मैं 4 बजे को आने को रेडी था, कोई दिक्कत नहीं था, 12 बजे भी आ जाता मैं। वैसा बॉलीवुड में आज तक नहीं हुआ है। मजा हॉलीवुड चॉलीवुड टॉलीवुड कहीं नहीं है। शाहरुख खान मूड में भाई 10,000 करोड़। संजू बाबा का एक लास्ट में सस्पेंस आने वाला है जो सबको जाके देखना चाहिए सिनेमा घरों में। संजू बाबा प्रॉपर एक मसाला एंटरटेनर देखे गए हैं और एक कैमियो जो प्रॉपर जो चाहिए था वो मिल गया है। विजय सेतुपति सब बेस्ट विलन है जो कि साउथ इंडस्ट्री से अडॉप्टेड हो गए। प्रॉपर विलन अगर देखो तो शाहरुख खान के बाद है विजय सेतुपति, जो कि पूरा बखूबी शाहरुख खान को सपोर्ट करे। बहुत बहुत अच्छी है, सबने बहुत एंजॉय किया, सब फिसल मार रहे थे, तालियां मार रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, सब बहुत मजा आया। गाने और एक्शन, गाने तो हमें पता था, हम पहले से एंजॉय कर रहे थे, बट एक्शन भी बहुत अमेजिंग है। मैसेज वाइज थोड़ा अच्छा मैसेज है यूथ के लिए, तो मैं चूज नहीं कर सकती शाहरुख का, बट ये भी बहुत अच्छा है। दीपिका या तो सब वो एक सरप्राइज एलिमेंट्स है जो बहुत अच्छे हैं मूवी में। दीपिका बहुत अच्छी है मूवी में, और दीपिका शाहरुख को देखना बहुत पसंद आता है हम लोगों को, तो वो बहुत अच्छा था। नहीं वो भी एक मज़ा है, वो भी मज़ा कर रहे, लोग नाच रहे, सीटियाँ मार रहे, तो वो भी एक मज़ा है। और एक मिक्सचर है अच्छा साउथ और बॉलीवुड का, तो वो भी एक मासी अच्छी मूवी है और एक मैसेज के साथ है, तो इससे अच्छा क्या। या क्लाइमैक्स बहुत अमेजिंग है, बिकॉज दोनों एक साथ आते हैं तो बहुत अच्छा है। 5/5, आई कांट स्कोर शाहरुख खान से। बहुत अच्छा था, जितना हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था मूवीज को लेकर के उससे ज़्यादा ही निकला हूँ उसमें। बहुत बहुत इंजॉय किया हम लोग ने, पूरा ट्रिप से आया था मैं अपने दोस्तों के साथ में, हमारे दोस्त लोग भी साथ में खड़े हुए हमारे। हाँ पठान जो मेरे को बेहतर लगी, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और कमाएगी पठान से ज़्यादा फर्स्ट डे में। मेन मेरे को मज़ा आया था उसके असली में, बहुत मज़ा आया मूवी को देख के। अभी आपको मैं बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा गाइस, इससे अच्छा कि आप खुद आओ एक बार मूवी देखो, आपको समझ में आएगा कि पूरा मूवीज़ क्या है। फुल पैसा वसूल है भाई, पूरा पैसा वसूल है भाई। फुल जहर है जवान, फुल जहर है, फुल अंगार है। जब जब शाहरुख स्क्रीन पे आता है, स्क्रीन पे आग लग जाती है। और बाप के रोल में जब शाहरुख आता है तो बाप लेवल की एक्टिंग की है उस मूवी के अंदर। कॉमेडी है, इमोशंस है, एक्शन तो बहुत ज्यादा है। और सबसे अच्छा एसआरके ने जो सारे कैरेक्टर्स प्ले किए उसमें बहुत मजा आएगा। एसआरके के सामने सब फीके, सबने अपनी अपनी जगह अच्छी एक्टिंग की है। एसआरके की जो गर्ल गैंग है उन्होंने भी अच्छा रोल
अच्छा रोल किया, अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन शाहरुख जब भी स्क्रीन पे आते तो आग लगा के जाते हैं। माइंड ब्लोइंग रोहित शेट्टी की एक्शन मूवीज, इसके सामने कुछ नहीं है। वो ट्रेलर थी और मूवी अटली ने दिखाई है। चिल्ला चिल्ला के पूरा गला खराब हो गया है। मतलब भाई एक्शन सीक्वेंस पठान से भी ज्यादा बेटर है। सिंह यार, मतलब ब्लॉकबस्टर तो पहले से लिखा हुआ था एंड आई थिंक अभी देख के वो प्रूव भी हो गया कि इट्स अ ब्लॉकबस्टर। मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब भी मैं टिकट बुक करने गया था सिर्फ 5 या 6 टिकट्स ही अवेलेबल थी। मैंने कुछ सोचा नहीं, जाके बुक कर लिया क्योंकि आज ए हिस्टोरिक शो था और मुझे इसका पार्ट बनना था बीइंग अ डायर शाहरुख खान फैन। एंड आई थिंक पैसा वसूल हुआ, जो रात को नींद नहीं आ रही थी एक्साइटमेंट में, वो यहाँ आके पूरा वसूल। शाहरुख खान का एक्शन, मतलब पठान में उन्होंने जो किया था, जवान में आई थिंक उससे एक लेवल हायर है बिकॉज डबल रोल है इसमें इनका। एंड रोमांटिक पार्ट्स भी है इसमें, वो ज़्यादा नहीं है, बट एक्शन जो था इसका और जो उनके डायलॉग डिलीवरीज, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, एक दो और पावरफुल डायलॉग्स भी है और उनका जो स्टाइल भी है वो काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। पहले शाहरुख खान क्लासी थे, क्लासेस को एंटरटेन करते थे और अब वो मासी भी हो गए हैं एंड आई एम रियली लाइकिंग दैट बिकॉज वो पहले पूरे दुनिया भर में पॉपुलर है और अभी उन्होंने अपनी पहचान मास एंटरटेनर्स में भी इस मूवी के साथ आई थिंक एक लेवल ऊपर लेके गए। जहाँ तक मैं जानता हूँ 60-70 करोड़ तो डे वन में हो ही जाएगा एंड मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाली है। बहुत अच्छी लगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वो भी 6 बजे। आई स्टार्टेड एट 5:30 इन द मॉर्निंग, तो बहुत अच्छी लगी एंड इट वॉज वर्थ इट। सुबह उठना, वो भी हॉलीडे पे, आज छुट्टी है ऑफिस की, तो टोटली वर्थ था एंड बहुत बहुत मज़ा आया। एक्शन, डायलॉग्स, आई थिंक गाने बहुत सही थे, बहुत अच्छा पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज था ओवरऑल एंड बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स है। आई थिंक एवरीवन शुड गो एंड वॉच टू यू नो अंडरस्टैंड कि क्यों इतना हाइप है एंड टोटली वर्थ होगा आपका टाइम। फर्स्ट डे पे तो आई थिंक फर्स्ट डे पे 100 करोड़ हो जानी चाहिए, तो इट शुड गो 300-500 करोड़ का जो हमारा रिकॉर्ड ब्रेक करते रहते हैं शाहरुख खान। सी आई लव शाहरुख, ठीक है, मैं तो उनकी सारी मूवीज अच्छी लगती है मुझे। पठान भी बहुत अच्छी थी बट आई थिंक इसमें एंटरटेनमेंट के हिसाब से और ज्यादा एलिमेंट्स है तो शायद इसीलिए। भाई बहुत मजा आया यार, मेरे पास वर्ड्स नहीं यार, मेरी कोई औकात नहीं इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने की। मैं ये बात बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा अच्छा काम शाहरुख खान, थ्रू आउट शाहरुख खान को एंजॉय किया है। सारे एक्टर फैंटास्टिक है बट मैं तो शाहरुख खान के लाया था और मैंने शाहरुख खान को थ्रू आउट एंजॉय किया। जब एक शाहरुख खान पठान में थे तो हम पागल हो गए थे, यहाँ 2 शाहरुख खान मिला हमको, हमारे लिए ट्रीट दिया शाहरुख खान ने, बस हमने उसको एंजॉय किया। अरे सब ने बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है, एटली ने बहुत ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन किया, स्टोरी उतनी अच्छी है, इमोशन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है और मैसेज है। क्या चाहिए और एक पिक्चर में, अब क्या करना चाहिए। सब ने बहुत अच्छा काम किया है, विजय सेतुपति ने कमाल का विलन किया है, विजय सेतुपति से अच्छा विलन कोई दुनिया में कर सकता है तो शाहरुख खान है, दूसरे नंबर विजय। अरे बहुत ज्यादा अच्छा यार, बहुत ज्यादा अच्छा। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। नाइस मूवी, नाइस मूवी, जबरदस्त मूवी। यस सर। सर मैं कहां बच के जाऊं, ये इस मूवी से कोई नहीं बच सकता सर, इस मूवी से बचने का सवाल ही नहीं है, कोई नहीं बच सकता। आप ये बताइए, आप, मैं ये पूछता हूँ आपको, क्या एंजॉय नहीं किया। शाहरुख खान की एंट्री, इंटरवल, इंटरवल के बाद के सीक्वेंस, स्टोरी, डायरेक्शन, हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग, आई थिंक फैंटास्टिक। मतलब नॉट जस्ट शाहरुख बट एवरी कैरेक्टर हैज डन दैट जॉब। आप जब देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, आई डोंट वांट टू रिवील द सीक्रेट बट आप जब देखोगे आपको रियलाइज होगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शन है बॉलीवुड में कि शाहरुख खान कैन नॉट डू मल्टीपल रोल्स। आप आइए, आपका भ्रम टूटेगा। देखो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे बॉलीवुड में अभी चल रहा है, इतनी मासी फिल्म आई नहीं है, राइट? जितना पठान ने किया था आई एम डेफिनेटली श्योर उससे 300-400 करोड़ ही डेफिनेटली ज़्यादा करेगी।